शर्मा चेयरमैन वीएसआई जयपुर और आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल मई 24 के लिए जो पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। आपको पता है एफआर का सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है और इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करके अगर सब रिवीजन किया जाए या तैयार किया जाए तो पास होना बहुत इजी हो जाता है। तो हमने इसके चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। यानी कैटेगरी ए में वो चैप्टर हैं यानी उसको पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हैं, कैटेगरी जो इजी हैं और जिसमें वेटेज भी है। कैटेगरी सी में है जो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, वो सी कैटेगरी में है, या थोड़े से लेंथी हैं वो सी कैटेगरी में है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में है। यानी अगर आप ए और बी कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कम से कम 90-95 मार्क्स का क्वेश्चन तो करने की पोजिशन में आप आ ही जाएंगे। और इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, क्यों कम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि कम करना है, लेकिन जितना ज़्यादा करो उतना करो, लेकिन प्रायोरिटाइज होकर करो कि पूरे नहीं हो पाए तो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रह नहीं जाए। वैसे हर साल हम एबीसी एनालिसिस देते हैं, पिछले नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए हमने एबीसी एनालिसिस इसका डाला था एफआर का 21 अगस्त को, और हमने उसमें बताए थे कि 65 मार्क्स ए कैटेगरी के आएंगे, 67 मार्क्स के आए, बी में हमने 28 बताए थे, 29 मार्क्स के आए। यानी ए और बी में मिलकर हमने बताया था कि 93 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 96 मार्क्स के आए हैं। ये पेपर आपके पास अवेलेबल है, उसमें चेक कर सकते हैं। और हमारा एबीसी एनालिसिस 21 अगस्त का ये टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। सी में हमने बताया थे 32 मार्क्स के आएंगे और वास्तव में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के आप एक्यूरेसी पे बिलीव कर सकते हैं कि जो एबीसी कैटेगरी में आ रहा है वो सही है कि नहीं है। हर बार डालते हैं तो इतना तो वेटेज कम से कम लगभग हर बार ही मिल रहा है। ये पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट का एबीसी भी डाला हुआ है, आईडीटी का डालना है तो वो एक दो दिन में मैं डाल दूंगा। तो कुल मिला के आप ये देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो इस सब्जेक्ट को ढंग से प्रिपेयर कर सकें कम टाइम में। अब जो मई 24 एग्जाम है इसमें कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी के हैं, उसमें चैप्टर नंबर 11 है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बी 12 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 13 है सीएफएस। चैप्टर नंबर 7 के तीनों पार्ट हैं यानी एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रांट और शेयर बेस पेमेंट। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 9 चैप्टर का यूनिट नंबर 2 है फॉरेन एक्सचेंज, चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 3 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। यानी ये चैप्टर जो है इसका टोटल वेटेज लगभग 72 मार्क्स का है। कुल मिला के अगर पूरा नहीं पढ़ के इतना पढ़ लेंगे तो भी ये मान लो कि आप पास तो कम से कम हो ही जाएंगे, लेकिन जो भी करो अच्छे तरीके से करो। चैप्टर नंबर बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 6 है जिसके 1 से लेकर 8 यूनिट हैं, ये अराउंड 17 मार्क्स के आसपास का इसका लगभग वेटेज है। चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 1 है एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी बी कैटेगरी में है। 9 का चैप्टर नंबर 1 है इनकम टैक्स, ये बी कैटेगरी में है। चैप्टर 10 के यूनिट 2nd एंड 3rd है ईपीएस एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये भी आपके बी कैटेगरी में है। तो बी कैटेगरी में अराउंड 33 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने की पॉसिबिलिटी है। तो ए और बी में लगभग 72 + 33 यानी अराउंड 105 मार्क्स के आसपास से क्वेश्चन पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। अब सी कैटेगरी में बाकी बचे हुए चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 3 है ये जिसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चैप्टर नंबर 4 है जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी और इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग रिपेयर है, चैप्टर नंबर 8 है प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट है, चैप्टर नंबर 14 है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो चैप्टर हैं इसके अलावा 10 है यूनिट 1 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 15 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 16 है प्रोफेशनल एथिक्स एंड ड्यूटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और 17 है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये लगभग 13 के मार्क्स के आसपास का है। थोड़ा बहुत और भी अगर मान लीजिए वेट चेंज होकर ये 20 का भी आ गया तो भी कुल मिला के
आप 100 मार्क्स की क्वेश्चन तो आराम से करने की पोजिशन में है ही है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रायोरिटाइज करें, जितना ज़्यादा कर सकते उतना ज़्यादा करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें, उस एग्जाम को आप क्लियर करें। थैंक यू।